दोस्तों आज हम सीखेंगे फाइंड द मिसिंग नंबर, यानी आपके एसएससी एमपीपीएससी किसी भी एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग महत्वपूर्ण। देखिए 0, 3, 8, 15, 24, 35 और क्वेश्चन मार्क। दोस्तों यहाँ देखने वाली बात है कि 0 से 0 कैसे बना, तो यहाँ देखते हैं कि 1 - 1 बराबर भी 0 हो सकता है और 1 - 1 बराबर भी 0 हो सकता है, तो 0 तो कैसे भी आ जाएगा, लेकिन 3 कैसे आए ये देखना पड़ेगा, है ना। तो 3 देखते हैं दोस्तों, 3 यहाँ 1 + 2 बराबर 3 हो रहा है ना, लेकिन ये इसमें नहीं आ रहा है, 8 नहीं आएगा। तो देखो 1 का स्क्वायर तो हो गया इसमें, लेकिन अब 2 का स्क्वायर करें, 2 का स्क्वायर - 1 करें तो 2 × 2 = 4 में से क्या, तो 3 हो सकता है ना। तो 8 का देखते हैं, अगर 3 का स्क्वायर करें -3 = 9, 9 - 1 = कितना हो रहा है, 8 हो रहा है ना। इसी तरह ये 4 × 16 में से गया 15, 5 × 5 = 25 में से गया 24, 36 में से गया ये 7 × 7 = 49 में गया तो कितना बचा 48। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया, ए ऑप्शन अपना राइट हो गया। थैंक यू दोस्तों।